होते हैं तो अच्छा ये लोग बहुत चालू होते हैं मालूम है कैसे हम गैस देखिए ये प्रदर्शन इच्छा गैस देखिए ये है पाइटोन दो तो सौ के बैठे तीन टू है क्या वो उधर भी और एक बच्चा भी है देखने Messi, 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 immense Messi, ancora 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 Messi, देखिए यहाँ पे हरिन खाना खा रहा है अपना दाना खा रहा है ये लोग देखिए बहुत सारा है बड़ा बड़ा है मॉर्निंग सभी को गाइस गाइस आज हम लोग यहाँ पे ईटानगर पे जाएंगे अपना भैया का घर में बड़ा भैया का सबसे मेरा बड़ा भैया का घर में जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले हम जो मुर्गी पालता था उस तो मैंने उसे भी पालने को दिया था तो अभी उसका वहाँ पालने के लिए जगह थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोला है तो इसलिए हमें ले जाने को कहा फिर से यहाँ पालो बोल के क्योंकि हम लोग तो पालने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ही गंदा करता है मुर्गी लोग तो इसलिए पालने के लिए छोड़ दिया था पर भैया अभी बोल रहे हैं फिर से पालो बोल के तो इसलिए देखते हैं अभी वहाँ जाके ईटानगर पे जाके और वहाँ से अभी हम लोग देखेंगे अगर समय मिले तो आप लोग को वहाँ में हम लोग का जो ईटानगर का जू है वहाँ भी आप लोग को वहाँ भी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे तो गाइस ये वीडियो कुछ अलग ही किस्म का मज़ा होने वाला है जो कि अभी जू में क्या क्या चीज़ें आप लोग को अभी दिखाएगा और ईटानगर कितना ईटानगर का रोड अभी कैसा है ईटानगर का मतलब अभी क्या डेवलप हुआ है वो सबको भी अभी कुछ कुछ जगह हम लोग जाने के लिए कोशिश करेगा तो आप लोग अंत तक बने रहेगा ये वीडियो पे तो मिलते हैं गाइस ब्रेक के बाद अभी तो गाइस जाते जाते सुअर का हम लोग का जो दाना है उसको भी अभी बुकना पड़ेगा तो इसलिए मैं सुअर का जो बर्तन है उसे धो देता हूँ अभी जितना हो सके अगर पाल सकते हैं लोग पालना चाहिए तो इसलिए मेरा तो अभी ही देखिएगा दो तो ही है ये है मेरा सुअर गाइस काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है सुअर जो अभी यहाँ कैपिटल में सुअर पालना भी काफ़ी तकलीफ है दाना उठाने के लिए दाना को भी महीना महीना में खरीदना पड़ता है जहाँ से लेते हैं वहाँ पे 500 के देना पड़ता है महीना महीना में देखिए ईटानगर जाएगा तो बक्सी को लेके दिन भर घूमेगा वहाँ पे जब आने समय में यहाँ दो बकेट में फुल करके लाएगा हेलो गाइस कुछ दिनों से बहुत ही सर्दी खांसी हो रहा है गला भी पूरा खुजली और बदन भी पूरा दर्द होता है पीछे से आगे से मतलब पूरा बदन जो मंस जो दर्द होता है मीट जो पूरा बदन का जितना मीट है पूरा दर्द होता है क्या करेगा अभी सीजन ही ऐसे चल रहा है बोला है तो इसलिए अब मेडिसिन भी ले रहे हैं ऐसे होने से भी अभी ईटानगर जाएगा जू घूमने जाएगा मस्ती करेंगे मौज करेंगे लाइफ एक बार ये गाइस एंजॉय कीजिए जो दुख तकलीफ से गुजर चुका है जो ऐसा प्लेटफॉर्म से गुजर चुका है लाइफ के बारे में तोरा मोरा भले ही कुछ ना हो पर भी एक एक पल को इंजॉय करने है वो पल से मैं वो दौर से गुजर चुका हूँ इसलिए मैं समझ में आ चुका हूँ यहाँ लाइफ में किसी को शर्म करके ऐसे करके जी के कुछ फायदा होने वाला नहीं है प्लस यहाँ हम लोग स्टिल मैन तो नहीं है जो लाइफ टाइम हम लोग परमानेंट होगा तो इसलिए यहाँ परमानेंट नहीं है कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पे इस धरती पे आया है तो इसलिए खुल के जियो जब तक आप खुल के नहीं जिएगा आप दूसरा को शर्म करेगा ये सोचेगा तो आप खुल के कभी नहीं जी पाएगा बस इंजॉय कीजिए अपना वीडियो अपना जो सोचता है जो कर सकता है उसको करिए कोशिश कीजिए करते जाइए बस यही है लाइफ और लाइफ में सही पकड़े हैं स्ट्रगल ना हो तो लाइफ जीने का कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा प्लस मतलब लाइफ क्या है वो नहीं समझेगा स्ट्रगल तो बहुत जरूरी है गाइस
अभी हम लोग जा रहे ईटानगर भैया का घर में, तो वहाँ पे कुछ सामान लेने जाना है। तो अभी आप लोगों को ईटानगर का रास्ता दिखाएगा और हो सके तो आज आप लोगों को जू भी दिखाएगा। ये जगह को कहते हैं दोते विलेज। आज हम लोग जा रहे हैं ईटानगर भैया का घर में, वहाँ पे सामान भी लेना है। मुर्गी लेने आओ बोले तो वहाँ से मुर्गी लेके हम लोग अपना घर में पालने के लिए लेने जा रहे हैं। तो आज आप लोगों को ईटानगर का रास्ता भी दिखा देगा, साथ में हम लोग जू हो सकते से बारिश नहीं गिरने से जू भी घूमने जाएगा। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। अभी ईटानगर रास्ता जहाँ से जाते हैं बोलते आना है मेन रोड करना है, यहाँ से जाते हैं राइट लेफ्ट साइड से ईटानगर, उस तरफ राइट साइड से डाउन से महानगर अभी। रास्ता बहुत खराब है, बहुत जार्किंग हो रहा है। यहाँ अभी रास्ता अभी बना रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ फोटोज काफी सारा फोटोज है। तो इसमें हम लोग का जो जैसा ऑटो हम लोग का जो कमर्शियल गाड़ी छोटा मोटा गाड़ी लोग चलने के लिए काफी तकलीफ होता है, क्योंकि जो कि अभी अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी बना रहे हैं यहाँ पे। तो अभी देखिए बड़ा बड़ा गाड़ी को भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। देखिए बड़ा बड़ा जो आपका तो गैस अभी देखिए ये हमारा जो कि नाहरलगन का जो नीवा हॉस्पिटल है यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ से हम यहाँ पप्पू ही जाता है, यहाँ से पप्पू लकड़ी का दुकान, लकड़ियों का दुकान है ये। बस में जो पार्टी घर में मनाता है बर्थडे ये सब वो लोग यहाँ से ले सकता है, क्योंकि पप्पू का संजय नहीं है। ये पेट्रोल अभी डालेगा। यहाँ से रास्ता अपना थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये हाईवे बन चुका है। नहीं आपको जो भी देखना चाहता है यहाँ पे आगे तो देखिए इग्नू भी बनाया है, फ्रीजी सेंटर यहाँ सेंटर होने गए। जो जो नहीं इस तरफ नहीं आया नहीं देखा नहीं घूमा वो देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ ईटानगर एक पॉपुलर जगह है दिल्ली ग्राउंड। तो गाइस अभी हम सिम्बल तक पहुंचे रहे हैं। यहाँ नीचे पे आपका दिल्ली ग्राउंड है, ये नीचे पे आपका दिल्ली ग्राउंड है, और यहाँ हम लोग का सबसे माना जाना ईटानगर और नाहरलगन का पीक होता है। वैसे यहाँ शिव मंदिर कहा जाता है, शिव मंदिर यहाँ पे पहले यहाँ बहुत एक्सीडेंट होता था, पर अभी तो यहाँ सड़क बन चुका है अच्छे से। तो यह हमें सबसे एक्सीडेंट पॉइंट इसको माना जाता था। तो अभी यहाँ हाईवे अच्छे से बना चुका है यहाँ, तो यहाँ शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पे आज देखिए ये यहाँ पे पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक है पूरा, और यहाँ पे नारियल मकई आपका सब कुछ मिल जाएगा। बस्ती का जितना सामान है यहाँ आपका पैसा लेके आ जाइए, सब कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिल्ली बनाने मंदिर है, ये जो दिल्ली हमारा और जो अबोटानी लेक का दिल्ली मंदिर यहाँ है। और अभी हम लोग ये यहाँ ईटानगर का टेम्पो स्टेशन में पहुंच चुका है। यहाँ से आपका अगर सीएम पहुंचेगा जाता है रिजर्व भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि हम ईटानगर का जीरो पॉइंट में पहुंच चुका है गाय। ये कैसे आपको हो गया हेमा हॉस्पिटल, जो कि ये भी काफी माना जाना है, इससे भी आप लोग देख सकते हैं हेमा हॉस्पिटल से बनाया हुआ है। देखिए गाइस गाड़ी अंदर से जाता है ईटानगर में, तो ऊपर से भी गाड़ी जाता है दो साइड से। अभी अंदर ट्रेन से हम गाइस ये है ट्रेन, जो कि हम ट्रेन से जा रहे हैं। देखिए यहाँ बारिश में पानी दिखे है, नाला बनाया कि नहीं बनाया पता नहीं, नाला अंदर तो साइड बनाया पानी। यहाँ से है ये है सेक्रेटेरिएट ऑफिस ईटानगर, यहाँ
अभी वॉल को काफी खूबसूरत बना दिया। वॉल में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग किया गया है और बेल और हमारे ट्राइब लोकल पीपल, कई सारे पिक्चर्स आप देख सकते हैं। काफी लंबा वॉल है, काफी खूबसूरत से बनाया हुआ है। हम लोग बचपन में ऐसे नहीं था, पूरा यहाँ पे मट्टी मट्टी था, अभी तो पूरा थोड़ा अच्छा बना दिया। तो गैस हम लोग यहाँ से घुसेंगे भैया का घर जाने के लिए, यहाँ से अभी जाता है आपका आबोटानी कॉलोनी। देखिए गैस कितना रास्ता खाई पे है, ईटानगर ईटानगर ज्यादातर ऐसे ही है, अप डाउन है। यहाँ से अगर आप ऊपर जाएगा तो यहाँ से दिल्ली में जाएगा तो कितनी देर से उठना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ऐसे है। तो ईटानगर अच्छा है, ईटानगर बहुत अच्छा है, अभी मतलब बहुत डेवलप हो चुका है, मतलब कैपिटल है अरुणाचल का। पर भी अभी यहाँ का एरिया को देखा देखिएगा तो अभी यहाँ का एरिया को आप देखिएगा, कॉलोनी आप जाएगा तो यहाँ पूरा ऊबर कावर अप डाउन है, मतलब इतना प्लेन एरिया इतना नहीं है जैसे कि नाहरलगन में है, न्यूजीलैंड में है, ऐसे नहीं है। आपका जैसे कि डोईमुख में है इतना नहीं है, यहाँ पे बहुत पहाड़ है, ये पहाड़ कट करके बनाया हुआ है आपका ईटानगर जो। तो गाइस अभी हम लोग हमारा अपना बराबर यहाँ के घर में आ चुका है, तो मैंने कुछ लेने के लिए भी भूल गया, बात करते करते कुछ लेने के लिए एक्चुअली लेना चाहिए हम लोग भूल गया। तो अभी ये वो वहाँ पे दुकान पे है, अपना बेटा के लिए कुछ सामान ले रहे हैं, हमने ले लिया है कुछ सामान, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे। चलो तो गाइस हम लोग रास्ते पे ड्राइविंग करके बात करते करते हम लोग वहाँ पे जो मार्केट है वो उसको ही सामान लेने ही भूल गया, नहीं तो सब्जी वब्जी थोड़ा लेना था। तो अभी यहाँ कुछ सामान लेके अभी जा रहे हैं बड़ा भैया के घर पे, तो अभी मिलते हैं आप लोग को वहाँ पे गाइस। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग भैया का घर में पहुंच गया है और ये भैया का घर है, भैया जो कि सेक्रेटरी ऑफिस में काम करता है, मेरा भैया जो मेरा सबसे बड़ा भैया है। तो अभी यहाँ पे है, तो अभी घर में भाभी भी नहीं है क्योंकि यहाँ का भैया का जो बेटा है वो थोड़ा गेजू कर रहा था बोला, इसलिए उसका दीदी का घर में गया था। और भैया जो अभी आया था और घर का चाबी इंदु को कॉल के वो चला गया, फिर से काम में गया है, तो हमको मेरे लिए वो चाबी को देने आया था, आके वो चला गया। तो अभी हम यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरा मोबाइल का बैटरी भी थोड़ा कम हो रहा था, इसलिए थोड़ा चार्ज करेगा बोल के। अभी आप लोग का मुर्गी दिखाएगा जहाँ में हम जो मुर्गी को लेने आया था भैया का, यहाँ पे ये भैया का इसमें देखिए यहाँ में मुर्गी जो हम लोग का यहाँ का लोकल मुर्गी है, एक मुर्गा और एक मुर्गी और यहाँ उसका बच्चा लोग है, और मुर्गी जो अभी अंडा दे रहा है बोला है, तो देखते हैं आप। तो गैस यहाँ पे देखिए ये मुर्गा है, मुर्गा भी काफी सुंदर है, बहुत बड़ा है, और यहाँ दो मुर्गी छोटा छोटा आपका छोटा छोटा में दो मुर्गी बच्चा है। तो गैस हम लोग तो मुर्गी पालने छोड़ दिया था, पर भी भैया अभी ले जाओ बोला, इसलिए ले जाना पड़ेगा, पालना पड़ेगा फिर से। मुर्गी पालने से बहुत गंदा होता है, प्लस बागान भी कर नहीं सकते हैं, इसलिए भैया लोगों को खाने में उन्होंने सिखाओ बोला है, तो भैया तो फिर भी पालो बोलते ले जाओ बोल के, बाद में जरूरी होगा तो फिर भैया लोग को फिर से देगा, तो ऐसे है। ठीक है गाइस अभी दुख होने से यहाँ से हम लोग जू जाएगा, तो जू में क्या क्या है ईटानगर का जू पे आप लोग को जू पे विजिट करेगा, आप लोग देखते रहिएगा ये वीडियो अंत तक। गाइस अभी हो गया है बैटरी तरफ फुल हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा, तो अभी मिलते हैं आपको फिर वहां सड़क पे, जो कि अभी हम लोग को और आगे जाना है, जो यहाँ का ईटानगर का जो लास्ट है वहां जाना है, जो कि जू जाना है। तो आप लोग को दिखाएगा बोला था जू, पर भी आज का मौसम थोड़ा वेदर जो इतना धूप नहीं है, मतलब ठीक ही है आज का, बहुत अच्छा है घूमने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो मिलते हैं रास्ता पे गाइस।
तो संडे है, संडे है इसलिए आज का दिन अच्छा है, मौसम भी अच्छा है घूमने के लिए। हम लोग काम में भी आया था यहाँ, अभी घूम ही लेते हैं क्योंकि बार बार ऐसे मौका भी नहीं मिलता है घूमने के लिए, क्योंकि हजरा करने वाला है, हम लोग डेली वेजर है तो बार बार घूमने का मौका नहीं मिलता है, तो इसलिए अभी यहाँ आ गया तो मतलब चला ही जाएगा ऐसे, इसलिए तब आपको भी दिखाई देगा यहाँ का जू नहर लग कैपिटल ईटानगर का। जो जो नहीं देखा है दूर से, जैसे कि बस्ती और कोई दूसरा स्टेट से हो, हमारा इंडिया का कोई दूसरा स्टेट से, अभी वो लोग आपको देख लीजिएगा। तो गाइस अभी बसंती पे आ चुका है, आइए तो अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। हेलो गाइस, अभी हम लोग भैया के घर से निकल चुके हैं क्योंकि घर में भैया लोग भी नहीं है, तो हम दोनों अभी ये अच्छी और हम दोनों अभी जू घूमने जाएगा इससे टाइम पास। आज संडे है और तो संडे में और भी अच्छे से मतलब एंजॉय कर सकते हैं, फ्री है इसीलिए। तो आप सभी इस चैनल पे बने रहिए। दोस्तों अभी हम लोग गंगा मार्ग के पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा डाउन में जा, डाउन को क्रॉस करने के बाद आपको गंगा मार्केट मिलेगा। अगर हाँ ये आकाश दिखना, सबसे पहले आकाश से ये जगह को बोलते हैं ना आकाश से, इस जगह को बोलते हैं आकाश से। और आकाश ब्रिज को थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद आगे जा करके आपको मिलेगा गंगा मार्केट। देखिए यहाँ पे, यहाँ से एंटर करने से यहाँ से आकाश ब्रिज घुसते हैं, और ये रहा हमारा गंगा मार्केट। यहाँ से और थोड़ा नीचे जाने से आपको पूरा मार्केट दिखाई देगा आकाश से। कैसा कर रहा है आपका वो टेबल क्लॉथ को, यहाँ का जो लाइन भी है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से भी आप घूम सकते हैं ये जगह से। बहुत ही बड़ा मार्केट है ये ईटानगर पे है, गंगा मार्केट ईटानगर का मेन मार्केट है। और इसको क्रॉस करने के बाद नीचे पे आपको क्या बोलते हैं वो आर्किटेक्चर हॉस्पिटल आपको दिखाई पड़ेगा, कई सारा अलग अलग दुकान है। ये है आपका आर्किमिशन हॉस्पिटल यानी कि रामकृष्ण हॉस्पिटल, जहाँ जिस तरह से हम लोग जू भी जा सकते हैं वो रास्ता से। यहाँ आप देख सकते हैं दो रास्ता, एक तो यहाँ पे तीन नाली है, यहाँ से तीन देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ये रास्ते से जाते हैं, फिर यहाँ से हम लोग अभी जू पे जा रहे हैं। अभी हम जो नाहरलगन में जैसा गेट देखा था, यहाँ पे भी आपको चिमपुर, होरंगी, गोपुर, तेजपुर, गुवाहाटी यहाँ से जा सकते हैं आप लोग, गुवाहाटी भी जा सकते हैं, तेजपुर भी जा सकते हैं। तो ये रास्ता से आप जाना है, यहाँ से होके आप होरंगी होके आसाम निकल जाएगा। तो अभी हम लोग को तो आज होरंगी नहीं जाना है, और होरंगी में यहाँ से जो एयरपोर्ट होरंगी में जो एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से जाते हैं। तो हम लोग को एयरपोर्ट नहीं जाना है, हम लोग को जाना है जू। तो अभी हम और मिलते हैं आपको, और आगे रास्ता है गोपुर का सीधा ही, तो वहाँ से आपको दिखाएगा कहाँ से घूमते हैं, तो मिलते हैं। इसका अंदर में होता था पहले सतहत्तर मार्केट, क्योंकि सकत सतहत्तर मार्केट देखिए उसके अंदर में होता है। तो आज तो आज तो है जो कि कल हो चुका था, तो भी अभी हम जाएंगे ये रास्ता से गाइस। यहाँ से आता है जाता है आपका, यहाँ से आपका जाता है होरंगी और आसाम, इसका जगह है गोपुर। गोपुर तो ऑलरेडी हम पहुंच चुका, अभी हम जाएंगे यहाँ से ये रोड से होगा आपका जू रास्ता, यहाँ से जाता है गाइस आसाम यारी को। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा बहन का यहाँ रेंट हाउस पे। तो बहन यहाँ आपका वो एकेडमिक स्कूल में यहाँ वहाँ का टीचर है, तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं। उस
उसे भी अभी साथ में जू ले जाएंगे। तो जू तो सामने ही है पर भी साथ में चलो बोल रहा है हम लोग। अभी शायद जाएगा कि नहीं जाएगा, शायद उसका तबीयत थोड़ा शायद काला वाला ठीक नहीं है बोल रहा था, ऐसे सुनने में आया था। तो अभी चलते हैं गाइस। देखिए गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुका है आपका गोपुर, ये है। तो वहां पे वो ऊपर में है आपका जू। अभी यहां से हम लोग को जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ सिस्टर का घर में पहुंच चुका है। देखिए सिस्टर यहाँ रहता है, देखिए ये सिस्टर का घर है। सिस्टर शर्म कर रहा है, तो सिस्टर को तो नहीं दिखेगा, आवाज आएगा नहीं दिखेगा। यहाँ ये सिस्टर का घर इंद्रा एकेडमिक में, इंद्रा एकेडमिक स्कूल पे वो टीचर करता है। टीचिंग करता है। गाइस ये है हम लोग का जू, जो कि हम लोग ये रास्ता से जाएगा। जो देखिए एक गाड़ी वहां से घुस रहा है, गेट भी है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है पर भी हम लोग यहाँ से नहीं। यहाँ पूरा वॉल लगाया हुआ है चारों तरफ से। तो गाइस उसी बीच उसी नीचे पे यहाँ सिस्टर रहता है हमारा, जो कि कॉमन डिजीज है। और हम भी काफी, मेरा गला भी खराब है और बदन उदन भी काफी दर्द है, तो ऐसे होके हम भी रह रहे हैं। पर भी हम तो दवाई वबाई खा के मेडिसिन खा के चल रहे हैं। तो अभी सिस्टर जो अभी चाय बना रहे हैं, चाय बनाने दीजिए। तो इसका तरह यहाँ हमें बैठ के यहाँ से अभी हम निकल जाएगा जू के और। तो अभी सिस्टर भी जाएगा कि नहीं जाएगा देखते हैं। फिर से मिलते हैं गाइस, बाय बाय गाइस। तो गाइस देखिए सिस्टर ने हमें बना दिया है ये हम लोग का जो चावल से बनाता है इसको। ही यो आमची, आमची हम लोग का ट्राइब में इसे आमची कहा जाता है। और ये चाय हो गया रेडी, तो अभी हम लोग इसको खा के अभी हम लोग जाएंगे। तो गाइस देखिए चाय हो गया रेडी अभी खाने के लिए, आमची। तो इसको क्या बोलते थे उसमें हिंदी में, जीरा बोलते थे, शीरा चीरा चीरा गाइस, इसे चीरा भी कहा जाता है हिंदी में, चीरा कहा जाता है। निशी में क्या बोलता है तो आमची बोलता है, निशी में भी आमची बोलता है, हम लोग भी आमची बोलता है। कैसा लगा आपको चाय? बहुत अच्छा लगा। हम देखिएगा खत्म हो चुका है अभी हम लोग का। काफी अच्छा बना है बहन ने, देखिए बहन जो बोल रहा है वीडियो में नहीं आएगा बोलते, क्योंकि शर्म कर रहा है बोलते है। हम लोग तो प्रो हो गया वीडियो में आने के लिए, हम लोग कुछ नहीं सोचते, सोच के भी क्या करेगा ना। वन लाइफ रंग करके कुछ फायदा नहीं है ये दुनिया में आके, मगर अपना अपना थोड़ा वो होता है, सोच होता है धीरे धीरे मालूम हो। हम लोग पहले बहुत शर्म करता था, पर ये दुनिया में अगर शर्म करके जिएगा तो फ्री नहीं होता है मतलब आदमी ना, तो इसलिए वो फ्री होना है, खुद को फ्री करना है ना। हम लोग तो फ्री है, इतना शर्म नहीं करते अभी फिलहाल तो। तो गाइस अभी हो गया कंप्लीट, चाय भी हो गया पूरा कंप्लीट, अभी हम लोग एक्चुअली गाइस ये मेरा बहन नहीं है, मेरा एक्चुअली दीदी होगा, क्योंकि हम छोटा पे हम दोनों बहुत झगड़ा भी करता था। तो अभी ये बहुत टॉल भी है पर भी ये नहीं आएगा बोलते हैं, पर भी टॉल होने से भी मेरा इतना वो तो नहीं है। पर भी देखिए गाइस ये इसका रूम है, हमारा सिस्टर का रूम, काफी सुंदर है, बहुत प्रेस्ट रखता है घर को। आखिर मैडम हो तो ऐसे ही ना, मैडम तो ऐसे ही होना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा लोग कैसा देखिए। सिस्टर ने कहा है देखिए ये सब उसका सामान है, हम दिखा सकते हैं बोला है तो, इसलिए देखिए गाइस
काफी अच्छे से रखा है, घर को साफ सुथरा रखा है, ऐसा होना चाहिए लड़की जो। और हमारा सिस्टर तो बहुत ही साफ सुथरा है और हमेशा घर को साफ सुथरा। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. तो गाइस अभी हो गया है, हम लोग चाय पी लिया, सिस्टर भी रेडी हो चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा, अभी डायरेक्ट सीधा जू जाएगा। मेरा सिस्टर मैडम, मेरा सिस्टर इन लॉ है ये। अच्छी आरती का सिस्टर, अच्छी यहाँ पे है जू का रास्ता, जू का मेन गेट, बायोलॉजिकल पार्क, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देखने जो जो आने वाला है यहाँ पार्किंग किया जाता है गाड़ी को, तो अभी मेरा पसंदीदा भी यहाँ पे पार्किंग करेगा, थोड़ा अच्छा जगह देखिए। और सर ये रास्ता है वैसे, इसमें तो पार्किंग नहीं कर पाया। तो गाइस आज संडे है इसलिए यहाँ, तो गाइस आज संडे है यहाँ में, अभी पार्क में बहुत लोग आता है आज का दिन में। तो देखिए गाइस यहाँ पे आपका ऑटो बाकी लोग भी आया है, मेरा बसंती का वो मेरा बसंती का वो हम सफर लोग भी आया हुआ है ऑटो वाला। तो देखिए पीछे में भी काफी सारा लोग, यहाँ का मियाँ है ये जो नॉन ट्रैवल, और यहाँ ट्रैवल और यहाँ टिकट काटा जाता है, क्योंकि यहाँ भी एक बसंती है यहाँ में भी। तो हम लोग यहाँ से, तो अभी यहाँ से हम लोग टिकट लेगा, यहाँ से ये लोग भी भैया लोग भी आया है टिकट अभी यहाँ से लेगा। आप लोग कहाँ से आया? कोमा से आया है, तो आ रहे हैं ठीक है। देखिए अभी हम लोग जू पहुँच चुका है, जो हमने तीन आदमी के लिए तीन टिकट लिया है, तो अभी यहाँ से हम लोग घुसेंगे। तो देखिए तो गाइस अभी हम लोग जू पहुंच चुका है, देखिए सिस्टर भी देख रहे हैं यहाँ में, तो वहाँ पे है अंदर में वो, हम लोग पता नहीं उसको क्या बोलता है, हम लोग समेन रखा पे ऐसे कुछ बोलता होगा पता नहीं, वहाँ में है तो सामने से देखिएगा। चलो आओ यहाँ से, थोड़ा आगे जाके अभी देखिए वहाँ बाकी लोग भी आया हुआ भैया लोग, गाइस चलते हैं। तो आज पूरा जू का सैर कराएगा, देखिए देखिए बच्चा लोग भी। तो गाइस वहाँ अंडर में इतना बड़ा टर्टल भी है, तो देखिए वो अंडर में टर्टल है, और वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल, छोटा वाला क्रोकोडाइल है, दो किस्म का है क्या शायद, देखिए शायद क्रोकोडाइल है ये, मगरमच्छ बोलते है और मगरमच्छ ना, नहीं ये मगरमच्छ तो ऐसे नहीं होता, मुख बड़ा होता है मगरमच्छ का, ये तो लंबा है। वहाँ पे एक है गाइस, यहाँ पे एक चारतू है, और यहाँ पे देखिए इसका अंदर में एक बड़ा वाला क्रोकोडाइल, क्या बोलते हैं उसको, ये इसका अंदर में एक टोर्टोइस है, देखिए गाइस हिल रहे हैं, ये देखिए गाइस बहुत बड़ा सा टोर्टोइस है। तो गाइस अभी आगे चलते हैं, क्योंकि आगे में और बहुत कुछ है देखने के लिए यहाँ पे, तो अभी नया सब्सक्राइबर भी मिल चुका है हमको। यही फायदा है बाहर में घूमने का, बाहर में घूमने से आपको एक एक आदमी सब्सक्राइबर भी मिल जाता है। देखिए तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाला है मंकी का एरिया पे, बंदर रहने वाला जगह में अभी हम पहुंच रहे हैं। तसोम वो देखो, वो पेड़ के ऊपर पे एक बंदर भोजन करके वो चुपचाप से बैठ रहा है। तो अभी हम लोग और आगे जाएगा, क्या क्या देखने मिलेगा देखिए गाइस, काफी खूबसूरत से बनाया हुआ है ये, तो सीमेंटेड हो, लकड़ी नहीं है ना, हाँ लकड़ी को सीमेंट जैसा बना के कलर दिए, अच्छा बनाया ना गाइस। ये है डस्टबिन, मुंह खुल के बैठा है, यहाँ पे आप सामान जो गंदा पंडा इधर डाल सकते हैं, रेडी है वो खाने को डस्टबिन को, तो इसलिए जहाँ तक कचरा मत देखिएगा, तो रेडी है मुंह खुल के बैठा है कचरा खाने। तो गाइस देखिए बहुत ही शानदार जगह है ये बंदर का इलाका आप में पहुंच। तो गाइस अभी हम लोग बंदर का इलाका में पहुंच रहे हैं, यहाँ पूरा बंदर राजा लोग का राज चलता है यहाँ पे,
देखिए अंदर में बहुत बदमाश वाला बंदर लोग रहता है, अभी उसे दिखाएंगे आपको। यहाँ का हम लोग का यहाँ का लोकल लोकल बंदर लोग यहाँ में, ये इसका अंदर में है। देखिए बस देखिए, यह सब अपना अपना फैमिली है शायद उन लोग का, इसलिए वहाँ अपना बच्चा को देखिए बहुत अच्छी तरीका से साफ किया जा रहा है उसका पूक, बदन का पूक को। ये यहाँ का सबसे बड़ा इल्डर होता होगा शायद, ये मुखिया होता होगा यहाँ का। तो देखिए इन लोग का भी मुखिया होता है बोलते हैं, एक राजा और एक रानी शायद। गैस देखिए यहाँ एक तो बाहर पे है, पता नहीं ये अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा वो तो मालूम नहीं है। बहुत गुस्सा हो रही है जो देखिए यहाँ पे हरिन खाना खा रहा है, अपना दाना खा रहा है ये लोग। देखिए बहुत सारा है, बड़ा बड़ा है, वो चितकबरा वाला भी है, तो ये यहाँ पे मट्टी कलर वाला भी है, वो तो जिरब जैसा कलर वाला भी है। हम लोग का ये लोकल यहाँ का जो जंगल में इस तरह का हरिन ही मिलता है। देखिएगा इस नीचे में है बहुत बड़ा बड़ा हरिन, तो यहाँ का लोकल हरिन है ये। हम लोग तो इसलिए बहुत हम लोग का बस्ती में बहुत देख चुका है, देखा था, पर भी वो जो चितकबरा वाला है वाला को नहीं देखा है। तो गैस देखिए यहाँ पे हरिन बहुत सारा है, काफी सुंदर है। तो गैस सिस्टर आया था, सिस्टर जो पेट दर्द है बोल के चला गया, बदन भी उसका ठीक नहीं है पर भी आया था, पर भी अभी वो चला गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या देखने मिलेगा। तो अभी सबसे पहले अभी यहाँ में उठा है, यहाँ पे देखिए इसका अंदर में है, वो लोग अंदर पे है सो रहा होगा, साइड गड्ढा में घुस गया। तो अभी का वो लोग का सीजन मतलब समय है नहीं निकल, सोने का समय है इसलिए सो रहा है। तो यहाँ पे भी है आपका, यहाँ का भी साइड ऊपर में सो रहा है, सब सो रहा है अभी ऊपर में ना, वही तो। यहाँ देखिए खाने के लिए वहाँ मीट रखा हुआ है, कोल रखा हुआ है, सब ऊपर में सो रहे गाइस। देखिए कैमरा भी आया। तो गाइस अभी हम लोग वो जहाँ चिड़िया है वो चिड़िया रखने जगह में जा रहे हैं। देखिए काफी अप है रास्ता, वो नीचे से चल रहा है, चरा था नीचे से मतलब उठा हुआ है, उठा हिंदी बोलते, हिंदी तो काफी कुछ भी नहीं होता है हम लोग का यहाँ का, ज्यादातर हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जानने वाला भी है ऐसे बात नहीं है, कोई नहीं जानने वाला इतना नहीं है, परफेक्ट बोलने वाला इतना नहीं है, बड़ा बड़ा जो जानकारी पढ़ा लिखा लोग तो परफेक्ट बोलते हैं, हम लोग तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसका कारण से इतना अच्छा से स्वीट हिंदी मतलब प्रॉपर हिंदी नहीं बोल सकते, इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। पर भी इसलिए देखिए गाइस अभी यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पे आपको बहुत सारे चिड़िया मिलेंगे देखने को, हालत खराब होगी। क्यों 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 ऐसा बोल गाइस। अभी चिड़िया को देख लिया, अभी हम लोग जाएंगे फाइटोन सांप और यहाँ का जैकल और टाइगर लोग को अभी देखने जाएंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, जो कि यह वीडियो कुछ अलग ही किस्म का लेवल होने वाला है, अलग ही किस्म का नेक्स्ट लेवल होने वाला है गाइस। तो देखिए यहाँ पीछे भी बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो कुछ अलग ही किस्म का नेक्स्ट लेवल होने वाला है, देखिए गाइस। तो गाइस अभी देखिए हम लोग पाइथन का जगह पे जा रहा है, बहुत बड़ा सांप का जगह में, जो कि पाइथन, ये है पाइथन का घर, इसके अंदर पाइथन रहता है, बड़ा बड़ा पाइथन। देखिए गाइस वहां लेटा हुआ है, काफी बड़ा है, उस दिन देखा था इसको फेसबुक पे, इससे बराला वायरल हुआ था, तो अभी यहाँ पे है।
ऐसे नॉर्मली इतना दिखाई नहीं देते हम लोग का यहाँ पे, पर उस दिन एक बस्ती पे देखा था गैस। देखिए ये है पायटोन, दो तो सो के बैठे, तीन टू है क्या वो, उधर भी और एक बच्चा भी है देखो ना गैस। देखिए यहाँ टर्टल जादू यहाँ भरती है, बहुत सारा जादू देखिए। खाने के लिए बहुत टेस्टी होगा, चमड़ा बकरी को तोड़ो और खाने के लिए बहुत मजा आएगा गाइस। ये लोग समुद्र का है, समुद्र का है शायद, इसलिए ये लोग अभी धूप सेक रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों वाह में गाइस, देखिए ये मटा पकड़ के बैठ रहा है, शायद माथा दर्द हो गया, दवाई उवाई नहीं दिया लगता है यहाँ का आदमी लोग तो मटा पकड़ते। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे बालू, बालू देखने जाएगा आप लोग नहीं जाएगा, चलो बालू का डांस देखने जाएगा गाइस। देखिए हमारा राजा जी एकदम बढ़िया से बैठा हुआ है यहाँ पे, और वहां में भी इसका बैठने ला देख, बैठने ला कोई देखने से चक्कर लगते है, कहाँ से किसी है सर जी कैसा है आप, अच्छा है ना, ठीक है ना सर जी, बैठने ला स्थल देखो ना। गाइस यहाँ भी बालू है पर यहाँ ज्यादा देखने को कुछ कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग सो के बैठ रहे हैं काके, बात तो सही है। हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शायद तो गाइस सबसे सबका फेवरेट यहाँ का जो अभी खाने के लिए जब से सबसे ज्यादा टेस्टी होने लगा, अभी जंगल का सुअर जो लोकल सुअर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो अभी वहां पे जाएंगे जो कि यहाँ से उठना पड़ता है। तो वहाँ नीचे में हम लोग बालू देखा था, तो अभी यह शायद जंगली सुअर शायद मिल सकता है, तो अभी यहाँ जाके देखते हैं। यह पहले गाइस जंगली सुअर हुआ करता था जब हम छोटा में आए थे, तो अभी पता नहीं वो ऊपर में कुछ रख दिया, ऊपर में कुछ है जो हिल रहा भी नहीं, दुल रहा भी नहीं, तो ऐसे पड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं यहाँ जेकल। हाय गाइस, इधर से उधर उधर से इधर भाग रहा है ये जो, देखिए मनते कि नहीं मनते, आदमी का कुत्ता जैसे। ये शायद इसका दोस्त का तलाश पे है शायद, देखिए दोस्तों बहुत ही उछल कूद कर रहा है। इसको ऐसे हो रहा है ना, इसको निकालने दिल हो रहा है ना, तो इसका शायद दोस्त का तलाश पे है इसे। हाँ यार बहुत खुशी है दिखा रहे थे, कच्चे 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 कच्चे, ये जो ये जेकल है ना पोक्स है, ये लोग बहुत चालू होते मालूम है फैसम गाइस। देखिए ये प्रदर्शन इच्छा रुको ना, ये हमें प्रदर्शन दिखा रहे गाइस। दोस्तों देखिए यहाँ बहुत बड़ा उल्लू है, वो जगह पे है मधु मौके बैठ रहे, एक तो ही है सिंगल पीस करके रखा हुआ है, और नेक्स्ट उसमें और एक तो है। तो गाइस देखिए यहाँ पे एक हॉरिन, किसी ने इसको शराब दे चुका है तो इसलिए यहाँ में मूर्ति बन के बैठ गया, इसका भी कुछ स्टोरी होता होगा पर इसका स्टोरी हम तो मालूम नहीं है अभी। तो देखिए यहाँ पे मूर्ति बन के बैठा है, कोई शराब दिया इसको ऐसे लगते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ जू के अंदर भी एक लवर पॉइंट है जो कि यह लव बना के रखा है, दिल बना के रखा है। तो दोस्तों अभी हम लोग सब कुछ देख लिया, अभी हम लोग लास्ट में अभी टाइगर देखने जाएगा, जो कि टाइगर को थोड़ा अंदर में ज्यादा अंदर में रखा हुआ है, जो कि सबसे खतरनाक है वो, जो इसलिए हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर द किंग ऑफ द जंगल देखने जाते हैं। तो गाइस चलते चलते बहुत दूर पहुंच गया, पर भी टाइगर का अभी कोई नामो निशान ही नहीं, तो अभी काफी दूर चल चुका है। तो अभी चलते चलते अभी हो गया हम लोग का 3 बजने को भी आ गया समय, पर भी टाइगर नहीं मिला अभी तक, देखने को नहीं मिला, पर सामने से भी साइड देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं, क्योंकि वो लोग काफी सुस्त होता है
और वो खाने का घर का अंदर घुस के बेच जाते हैं, तो इसलिए अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अभी देखिए गाइस, मिलते हैं वहाँ पे टाइगर की जगह पे। गाइस अभी हम लोग जू का व्यू पॉइंट पे आ चुका है, जो कि यहाँ से अच्छा व्यू दिखाई देगा शायद, तो इसलिए यहाँ आ चुका है। यहाँ से अभी ड्रोन शॉट लिया जाएगा। ड्रोन शॉट देखिए गाइस, गाइस वो नीचे पे है आपका जंगली सुअर, दिखाई दे रहा है ना उधर, वो भी हम लोग का लोकल सुअर ही है जैसा ही है। आप अगर जंगली सुअर दिखना चाहते हैं तो अपना घर का सुअर को देख लीजिए, वही काफी है, तो ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है उस पर। और जंगली मुर्गी देखना चाहते तो घर का मुर्गी को ही देख लीजिए, उस पर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ का वही है, थोड़ा उड़ता है और थोड़ा पतला होता है, जो कि देखिए यहाँ का जू का ड्रोन शॉट देखिए गाइस। शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और दूजे में कलम था, अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं लगा के पूरी जान, किया फिर शुरू लिखना कोरे से, एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुका है आपका ये टाइगर का एरिया पे, वहाँ टाइगर सो रहा है, देखिए वो अंदर में सो रहे है। तो यहाँ से हम लोग देखता है शायद और आगे में और टाइगर होगा, तो इसलिए अभी तो उन लोग का सोने का ही समय है, सुस्त होने का समय है, क्योंकि खाना भोजन वोजन उन लोग कर लिया है। तो देखिए यहाँ जब जंगल उंगल कटिंग करता है तो उन लोग को बंद करके कटिंग किया जाता है, और जो कि ये कटिंग करके रखा हुआ है, देखिए जंगल को साफ करके। तो देखिए गाइस यहाँ पे एक और एक हम लोग का दोस्त, एक तो यहाँ पेटुआ होके बैठा हुआ है, ये भी काफी भोजन खा के मुख भी पूरा खुला हुआ है। ओ अच्छा, ये डस्टबिन है। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं साइड पेटुआ वाला प्रोग, तो इसे काफी खूबसूरत से बना दिया है, पहले ऐसे नहीं था ये जगह जो। तो गाइस ये देखिए काफी खूबसूरत बना दिया गाइस। तो अभी देखिए यहाँ बैठने के लिए रेस के लिए भी काफी सुंदर से बना दिया, टाइगर का ही जैसा, टाइगर का ये स्थल में बना दिए, जो कि काफी तक चुका है टी और अच्छी आरती, अच्छी जो आर जो काफी तक चुका है, इसलिए हम लोग भी चल चल के काफी दूर है ये जगह। तो अभी यहाँ में आके हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, जो कि काफी खूबसूरत बना है, ये बैठने वाला जगह काफी खूबसूरत है, तो यहाँ रील्स बनाएगा एक। यहाँ पे है अभी वहां में टाइगर, उधर में सोया हुआ है, आजकल ये लोग भी बहुत सुस्त हो गया, पहले यहाँ ठीक था ये लोग जो ना, वो देखो ना तसम बैठने वाला घर बना दिया ना उसके नीचे पे, वो बम्बू का जारी का नीचे में भी एक तो है, देखिए गाइस ये लोग बहुत खतरनाक है, यहाँ संभाल के अगर नहीं रहने से तो यहाँ तो थोड़ा। यहाँ पे जानवर लोग आदमी को देख के सुस्ती हो गया बोल के, ये लोग भी बहुत सुस्त हो गया, तो अभी तक एक ही यहाँ पे एक्टिव वाला देखने मिला है हमको, जो कि यहाँ पे सबसे सुस्त वाला एक टर्टल होता है, जो चौचर टर्टल जो थोड़ा एक्टिव लगा है। इसका बाद आपका जो जेकल पॉक्स है वो थोड़ा एक्टिव था, और चिड़िया बाकी सब एकदम आडम हो रहा होके बैठा हुआ है, और बंदर भी थोड़ा एक्टिव था। तो अभी यहाँ पे और बंदर है, जो कि बंदर कलाला बंदर है यहाँ पे। कालू चल क्रिकेट खेलने जाए, चलो। कालू ने पब्लिक का पैसा को का के देखो, अभी आराम से रेस्ट कर रहा है उधर में, एक टिकट का है जो कि 20 रुपया, तो लोग 20 रुपया का अभी का के हजम करके अभी एक एक आदमी का बहुत सुस्त है, अभी अपना कमाल दिखाते हुए। देखिए गैस कालू यहाँ पे है, कालू आलू काके चालू होके एकदम। तो गैस देखिए यहाँ पे हमारा नया सब्सक्राइबर भी मिल चुका है, जो यहाँ का दापो साइड का दोस्त है। देखिए यहाँ में आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है विजय किंदो नालो है जी, मैं अपर सुबन डिस्ट्रिक्ट का हूँ। थैंक यू सो मच, ये भी सब्सक्राइब कर दिया, जो कि यहाँ जू में आया था तो दोस्त लोग मिल गया, तो अच्छा बातचीत हुआ यहाँ में, तो अच्छा लगा।
देखिए ये हमारा व्यू पॉइंट है, यहाँ से हमारा पूरा डियर को दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो डियर है उसको देख सकते हैं। Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about them. So guys, आज हम लोग पूरा यहाँ हमारा जू ईटानगर कैपिटल जू में घूम चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, निकल जाएगा, तो काफी टाइम भी हो चुका है। तो मेरा ये आज का ब्लॉग यही तक था, तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना गाइस। आपका सब्सक्राइब एंड आपका सपोर्ट से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, तो ताकि मैं आगे अपना वीडियो को और बना सकूं, तो थैंक यू गाइस। बस तो गाइस देखिए अभी बसंती का चाबी निकल चुका हूँ, बहुत काफी थक गया है, बहुत घूम घूम के हालत खराब, मुझे पता नहीं था कि अपना बसंती को भी तो अंदर ले जा सकते हैं। आज का जो ब्लॉग है हम यहीं पर रखते हैं, और हमने आज पूरा दिन हमने जू पर ही अपना समय बिता दिया है, हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ जाकर और बहुत सारी चीजें देखी। आप लोग भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जब कभी भी आप लोग फ्री रहेंगे तब आप लोग वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है, अच्छा प्लेस है, बहुत ही पीसफुल।